ये धूप में ना ऐसा टेरा है, आपको पता है कल इन लोग का एग्जाम है बोल रहे, कल मालूम कर रहे एग्जाम सेंटर रायचूर, एग्जाम सेंटर केली बेलगाम, वो सही है क्या सर? सभी मुख्यमंत्री और के सुधाकर है ना, वो लुच्चा है और लफंग है, क्या वो उसका एक डॉक्टर है, वो उसको भी मालूम पड़ना क्या हो रहा है नर्सेस का अभी परिस्थिति, उसको मालूम नहीं क्या? हमारा बच्चे लोगों का गलत क्या है साबित करो। रोड पे आके अभी क्या कर रहे, इधर प्रोटेस्ट कर रहे, आप बोल रहे उधर एसी में बैठ के, उधर विधानसभा में बैठ के क्या कर रहे, उधर घाट मारे सभी लोग आप। एक टीचर का फीलिंग्स में बोल रहे सर आपको, बच्चे लोग ना डेली फोन करते, बच्चे लोग फोन करके बोलते सर आओ सर, वो छुट्टी दिया 15 दिन हम उन लोग एग्जाम के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल होते बोल के कुछ भी नहीं हो गया सर। This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more. सर मेरा नाम संदीप है, मैं हमारे कॉलेज का स्टूडेंट्स का टीचर हूँ। हम इधर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है बेंगलुरु में, कोई तो कोई गलत करने के वास्ते में हमारे बच्चों को क्यों सजा दे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक बात पूछना का है सर, ये कंट्री डेमोक्रेटिक है ना सर? सर इधर तहसीलदार के नीचे ये एक एक सेंटर में स्पेशल स्पेशल स्कोर को डाला है, उन लोग का नीचे एक भी मैल प्रैक्टिस केस नहीं हुआ है। मीडिया भी आए हैं, सब लोग आए हैं, सब लोग चेक किया है, आप लोग भी एक बार सेंटर में आके आप देखा है, कुछ भी नहीं है। बेंगलुरु का बिग लॉबीज क्या क्या भी करके उसके वजह से मेरे बच्चे लोग का भी तकलीफ दे रहे। अभी 26 के बाद प्रैक्टिकल कब्बे पूछ के ना, एक टीचर का फीलिंग्स में बोल रहे सर आपको, बच्चे लोग ना डेली फ़ोन करते, बच्चे लोग फ़ोन करके बोलते सर आओ सर, वो छुट्टी दिया 15 दिन हम उन लोग एग्जाम के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल होते बोल के कुछ भी नहीं हो गया सर। एक महीना हो गया, सेकेंड महीना हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। अभी ने कोर्ट में क्या बोला है, कोर्ट में उन लोग बोला है एग्जाम रिकंडक्ट करो, किधर तो किया बेंगलुरु लोगों के लिए, हमारा बच्चे को क्या किया है गलत? आप लोग बोलना है, गलत करने लोगों को सजा देना है, गलत करना लोगों को सजा देना है, हमारा बच्चे लोगों का गलत क्या है साबित करो। सभी एग्जामिनेशन को, सभी सेंटर्स को रिकॉर्डिंग से सब कुछ है, आप लोग एक एक सेंटर को चेक करो। ऑब्जर्वर जिम्स का सर, 1 मिनट सर, चार पांच स्पेशल स्कोर को डाला है, बेलगाम से आया है, हेब्बाल से आया है, सब जगह से आके एक एक दिन को सब सेंटर में आए हैं। इन लोगों के आगे मैल प्रैक्टिस किया लोग बेंगलुरु में लॉबीज, उन लोग क्या है, हम लोग क्या किया, हमारा बच्चा क्या किया बोलो? ये धूप में ना ऐसा टेरा है, आपको पता है कल इन लोग का एग्जाम है बोल रहे, कल उन लोग हॉल टिकट छोड़ दिया केसीए ने भी, उसमें क्या दिया आपको पता है आपको? कल मालूम कर रहे एग्जाम सेंटर रायचूर, एग्जाम सेंटर केली बेलगाम, वो सही है क्या सर? थोड़ा कॉलेज से उन लोगों का सेंटर इधर दिया, बाकी 3-4 कॉलेजेस को गुलबर्गा में सेंटर दिया, बाकी इतना लड़कियों को 2 दिन में आप बोलो हम टीचर्स बन के हम हॉस्टल कैसे अरेंज करते? एक 40 लेडीज को लेके उधर जा रहे, सोचो सर हम हॉस्टल कैसे अरेंज करते? हमको एक 10 दिन बोले बोना ना कोर्ट में जाके से होता बोल के उन लोग हॉल टिकट भी छोड़ा नहीं सर। व्हाट इज दिस सर? इज दिस जस्टिस और इनजस्टिस आप बोल सर? हमारे को क्या चाहिए सर? हमारे को एक ही बात चाहिए सर, हमारे को ये बच्चों का ना, ये हमारा कौन गलत किया उन लोगों का एग्जाम कंडक्ट करो। मेरे बच्चों को इधर गुलबर्गा में बहुत कॉलेज से, उन लोगों का बच्चों को क्या हो गया, उन लोगों को छोड़ो, उन लोग क्या गलत किया? देखो सर आई डोंट नो, हमको इसमें कुछ भी नहीं, हम इधर इसलिए तो आके ठहरा है ये धूप में, हमारे बच्चे को कुछ जस्टिस मिलते या नहीं मिलते उतना ही चाहिए सर। एग्जाम के लिए उन लोग किया है, उन लोग को प्रैक्टिकल करवा के उन लोगों को रिजल्ट छोड़ो, हमारे को उतना करके दो, ये हमारा रिक्वेस्ट है, सबके साथ रिक्वेस्ट है। थोड़ा हमको मीडिया ने सोचे तो सब कुछ कर सकते, आप लोग को सपोर्ट है तो हमारे बच्चे को बचा सकते। में क्या हुआ है भाई, एक भी चिट्ठी नहीं हुआ है ओनली बेंगलुरु में, तो इधर क्या हो रहा है ओनली पूरा सभी कर्नाटका स्टेट का सभी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होने का ये निर्णय लिए ना गवर्नमेंट, वो हमारा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ओनली किधर एग्जाम चिट्ठी हुआ है उधर ही होना है। कोर्ट भी बोला है विद्यार्थी कौन
एग्जाम लिखना चाहता है उसको एग्जाम दो, ओनली किधर चीटी हुआ है उधर एग्जाम लिखने के लिए बोला है। सभी डिस्ट्रिक्टों को एग्जाम लिखने का इधर ये नहीं है। अभी एक बात बोलता हूँ, 2011 में ओनली बिदर में एग्जाम हुआ है, चीटी हुआ था ओनली बिदर में एग्जाम हुआ है। अभी बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में एग्जाम लो, क्यों पूरा कर्नाटक में ले रहे हैं आप? आपको पूरा आपको बोलो आपका क्या है, आपका स्टूडेंट को अभी क्या हो रहा है, आपका सभी स्टूडेंट रोड पे आके अभी क्या कर रहे हैं, इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं उधर एसी में बैठ के, उधर विधानसभा में बैठ के क्या कर रहे हैं, उधर घांड मार रहे सभी लोग। आप सभी मुख्यमंत्री और के सुधाकर है ना, वो लुच्चा है और लफंग है क्या? वो उसका एक डॉक्टर है, वो भी उसको भी मालूम पड़ना क्या हो रहा है नर्सेस का अभी परिस्थिति, उसको मालूम नहीं क्या? वो अभी डॉक्टर है, डॉक्टर होके अभी हम इधर पूरा कर्नाटक का भी एग्ज़ाम ले रहा है, उसको थोड़ा ये होना सभी मालूम होना। अभी हमको ओनली डिस्ट्रिक्ट चाहिए, आज आज रात 8 बजे तक हमको एग्ज़ाम रुकना है, ओनली बेंगलुरु में एग्ज़ाम होना है, कि कौन सा भी स्टेट का कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम नहीं होने का, इतना ही हमारा ये है। उसका आज रात 8 बजे तक उसका निर्णय लेना है, गवर्नमेंट को लेना है, उतना लेना है, नहीं तो उसका घर को आके हम उसका ये परिणाम लेंगे ऊपर वापस। वरुण कुमार। Let's go!